एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। ट्विटर अपने यूजर्स को मानसिक और शारीरिक खतरों से बचाने का कर रहा है प्रयास, जैक डोर्सी। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर अपने यूजर्स को मानसिक और शारीरिक खतरों से बचाने के तरीकों पर विचार कर रहा है, जो कि इसके मंच पर डिजिटल बातचीत था संपर्क के कारण शुरू हो रहा है। ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैक डोर्सी ने एक ऑनलाइन साक्षात्कार में यह बातें कही। डोर्सी ने यह बातें अपने मंच पर उत्पीड़न को कम करने तथा स्वस्थ बातचीत को बढ़ावा देने के लिए प्रयासों पर चर्चा करने हुई है। डोर्सी ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा, हमें सबसे पहले इस बात पर विचार करना होगा कि क्या ऑनलाइन गतिविधियां शारीरिक सुरक्षा पर भी प्रभाव डालती है। इसी हिसाब से हम अपने प्रयासों की प्राथमिकता निर्धारित करेंगे। मैं नहीं समझता कंपनियों ने, जिसमें हम भी शामिल है, इस मुद्दे पर पर्याप्त ध्यान दिया है। कंपनी उन नीतियों और प्रवर्तनों को लागू कर रही है जिससे ट्विटर के यूजर्स को ऑफलाइन शारीरिक हानि पहुंचने की संभावना कम होगी। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि अक्टूबर 2018 में ट्विटर ने ट्रांसजेंडर यूजर्स को गलत तरीके से पेश करने पर रोक लगा दी थी और बार बार या गैर सहमति वाले अपमानजनक, गाली, नक्सलवादी और लिंगभेदी अलंकारिक भाषा वाले ट्वीटर्स को प्रतिबंधित कर दिया था। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।